नमस्कार दोस्तों, चार्ट ऑफ द वीक के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्मार्ट गुरु मुकेश चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक के बारे में, यानी वीकली ब्रेकआउट स्टॉक। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जिन स्टॉक्स में अच्छे लेवल पर ब्रेकआउट हुआ है या रेजिस्टेंस या कोई सपोर्ट लेवल के आसपास स्टॉक्स मिलते हैं, वो स्टॉक्स में आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उन स्टॉक्स में आने वाले कुछ टाइम में या कुछ मंथ में अच्छा लेवल हमारे ब्रेकआउट होने के बाद में अच्छे रिटर्न हमें दे सकता है। तो वो स्टॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोग भी उन स्टॉक्स में अच्छा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। तो कौन कौन से स्टॉक्स है, क्या लेवल पे बाइंग करेंगे, क्या टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा और उन स्टॉक को पिक करने का क्या लॉजिक है, वो भी मैं आपको यहाँ पे चार्ट के ऊपर बताऊंगा। तो चार्ट को देखें उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए प्लीज़। वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी टाइम भी लगता है, तो आप लोग के लिए इससे स्टॉक्स रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं। और भी आपको ज़्यादा जो भी टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो देखने हैं तो आप हमारे यहाँ पे चैनल को विजिट कर सकते हो और यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, जो स्टॉक्स मुझे आप लोग ने पूछा है वीकली चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप लोग ने जो स्टॉक्स पूछे हैं वो स्टॉक्स भी मैं वीडियो के एंड में यहाँ पे कवर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा किस लेवल पे हम इस स्टॉक को बाइंग करेंगे और वहाँ पे क्या टारगेट होगा, वो हम इस वीडियो में ये दोनों स्टॉक देखेंगे चार्ट ऑफ द वीक। जैसे कि लास्ट वीक में मैंने चार्ट ऑफ द वीक का स्टॉक्स दिया था मिंडा क्रॉप, तो यहाँ पे चार्ट देखिए दोस्तों इसका, जैसे मैंने आपको 250 के ऊपर बाइंग के लिए दिया था, तो अभी इसका लेवल जो 267 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग लेवल पे हमारे ऊपर निकला है, तो इसमें होल्ड करें जो स्टॉप लॉस है ट्रेड करके चलते रहे। तो दोस्तों, स्टॉप लॉस को मेंटेन करिए और जो नेक्स्ट हमारा फर्स्ट टारगेट है उसके आसपास चल रहा है, तो उसके वहाँ पे किस टाइप की प्राइजेक्शन बनती है और क्या यहाँ पे सस्टेन होता है अबव इसके ऊपर निकलता है, तो हम स्टॉप लॉस को मेंटेन करके राइड करते आगे हमारा जो सेकंड टारगेट है उसकी तरफ जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का जो चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक से वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट टारगेट जो फर्स्ट स्टॉक से चार्ट ऑफ द वीक का इंडिया मार्ट लिमिटेड। दोस्तों, इस स्टॉक्स में जबरदस्त यहाँ पे जो एक फ्राइडे को सेशन में, यानी कि थर्सडे की सेशन में यहाँ पे देखिए 1% से भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़त हुई। और दोस्तों, इस स्टॉक की खासियत ये है कि ये स्टॉक 10,000 के भाव से यहाँ पे 5,300 के लेवल के आसपास आया और एक अच्छा करेक्शन हुआ, उसके बाद में एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन रहा है, हायर हाई हायर लो। तो इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा अपसाइड में एक रैली देखने को मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका चार्ट। उससे पहले आप लोग को यहाँ पे मैं बता दूं, तो दोस्तों इंडिया मार्ट का मैं यहाँ पे जो हम लोग फंड ये है थोड़ा यहाँ पे फंडामेंटल देख लेते हैं और इसका मार्केट कैप भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं। तो इसका मार्केट कैप है इंडिया मार्ट का 16,500 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है और आप यहाँ पे क्लोजिंग भाव जो देख रहे हो, आप क्लोजिंग प्राइस है वो 5,392 यानी कि 5,392 का यहाँ पे क्लोजिंग पावर। दोस्तों, और भी इसके बारे में डिटेल्स आपको जानना है तो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके जान सकते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो हम लोग चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर और देखते हैं इसका चार्ट हमें क्या बता रहा है और क्या इसका चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं इंडिया मार्ट का। तो दोस्तों, यार ये रहा वीकली इंडिया मार्ट का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे मैंने लगाया है और इसका चार्ट आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रैली ये स्टॉक्स ऑलरेडी कर चुका है, जो कि प्राइस एक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। तो इस स्टॉक्स ने यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको, इस लेवल के आसपास से एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ और ब्रेकआउट के बाद में इस स्टॉक्स में देखिए कितनी अच्छी रैली आपको देखने को मिली, कंटिन्यू एक यहाँ पे ऊपर गया और एक डबल टॉप पैटर्न बनाया और यहाँ से नीचे फॉल डाउन आया और इस लेवल को काफ़ी अच्छी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और नीचे आया और यहाँ से हमें एक अच्छा सपोर्ट जोन है, वो सपोर्ट जोन को यहाँ पे ब्रेक किया और ब्रेकडाउन होने के बाद में इसी एरिया के आसपास देखिए कितना अच्छा प्राइस एक्शन इसमें बना है और प्राइस एक्शन बनने के बाद में देखिए ब्रेकआउट भी यहाँ पे हुआ है।
तो देखिए स्टॉक्स में रेंज बनाई थी, रेंज के बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट लो यहाँ पे बना, सेकंड लो यहाँ पे बना, यानी कि इस स्टॉक का प्राइजेक्शन यहाँ पे हमें ये दर्शा रहा है कि ये स्टॉक अब अपसाइड में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और वॉल्यूम भी यहाँ पे काफी अच्छा खासा वॉल्यूम आया है और ब्रेकआउट का कैंडल आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग इस स्टॉक को देख रहे हैं, तो ये 10,000 का स्टॉक्स आपको यहाँ पे हाफ रेट में मिल रहा है, तो यानी कि ये 50% यहाँ पे ये स्टॉक्स गिर चुका है। और यहीं से एक अच्छा इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया है और यहाँ पे ऊपर सस्टेन हुआ। तो अब यहाँ पे हमें बाइंग करना तो कहाँ पे कर सकते हैं इस स्टॉक को, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा हाई प्राइस है यानी कि इसके हाई के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे एक बार रिटेस होता है और 5,000 के लेवल के आसपास आपको मिलता है, 5,000 के आसपास, तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे एक बार रिटेस्ट होने के बाद में आप साइड में अगर जाता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा दोस्तों 7,000 का रहेगा, सेकंड जो टारगेट रहेगा यहाँ पे ये 7,800 का रहेगा, और थर्ड जो टारगेट रहेगा हमारा जो ऑल टाइम हाई है 10,000 का लेवल है, ये टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं। यहाँ पे डबल टॉप बनाया था तो ये तीनों टारगेट अगर हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो यहाँ पे 4,500 का लेवल जो है ये इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। यानी कि आपको 4,500 में, क्यों बता रहा हूँ, ये ट्रेड लाइन को काफी अच्छा रिस्पेक्ट किया है, तो इसके नीचे का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, तो काफी अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ इस स्टॉक में, तो इसके ऊपर जरूर ध्यान रखिए। और इसके ऊपर जो भी खरीदारी बिकवाली करेंगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह कर जरूर ले लें, क्योंकि इस स्टॉक को हम लोग सिर्फ एजुकेशन पर्पज के मकसद के आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि इनमें आप खरीदारी बिकवाली करो, अगर करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। तो चलिए आज का हमारा सेकंड स्टॉक की ओर कि कौन सा सेकंड स्टॉक है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों सेकंड स्टॉक जो है टीवीएस मोटर, जो कि ये स्टॉक हमारा पहले भी ये स्टॉक रडार में रह चुका। अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हो चार्ट ऑफ द वीक का, हमने लास्ट टाइम कभी दिया था, तो मैं वो वीडियो ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वो भी आप जाके देख सकते हो। जो कि 800 के लेवल के आसपास मैंने एक ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल के आसपास, तो यहाँ से स्टॉक्स ने 1,150-1,200 के अराउंड इसने हाई लगाया, तो काफी अच्छी रैली यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया होगा तो एक अच्छा अपसाइड में 400 पॉइंट का हमें मूव मिला है, तो काफी एंजॉय किया होगा ये लोग। तो अभी इसमें क्या, इस स्टॉक को पिक करने का क्या लॉजिक है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और वीकली टाइम फ्रेम में हुआ है, तो हमें आगे क्या, दोस्तों ये काफी अच्छा प्राइजेक्शन को फॉलो करता है स्टॉक्स और काफी अच्छी मूव भी देता है। यहाँ पे पीछे आप देखेंगे तो काफी अच्छा एक पैटर्न बना था यहाँ पे भी देखो, और सेम पैटर्न यहाँ पे भी कंडीशन बनी हुई, और अब यहाँ से एक रैली हुई थी, अब यहाँ पे एक अच्छी रैली हमें आगे देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे टीवीएस मोटर को हम लोग यहाँ पे लाइफ टाइम हाई भी है तो इसको ध्यान में रखना है हमें। तो जब तक ये 1,180 के लेवल को ब्रेक ना करे तब तक हमें यहाँ पे बाइंग नहीं करना, क्योंकि पुराना जो रेजिस्टेंस है ये हमारे लिए काफी हर्डल बन सकता है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम लोग यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। इसके ऊपर जैसे बाइंग सस्टेन होता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट जो होगा हमारा, जो कि टीवीएस मोटर का, यहाँ पे 1,450 का फर्स्ट टारगेट है, सेकेंड टारगेट है 1,620 का, थर्ड टारगेट रहेगा 1,744 का। ये तीनों टारगेट हम लोग इसमें लेके चल सकते हैं और काफी फास्ट मूव इन स्टॉक में देखने को मिलेगी। अब बात रही दोस्तों स्टॉप लॉस की, तो यहाँ पे आपको 1,050 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1,050 का स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे इस ट्रेल लाइन के नीचे का जो आपको ये सपोर्ट है, तो इसके नीचे आप 1,000 या 1,050 का स्टॉप लॉस रखना ही होगा, नहीं तो अगर ज्यादा छोटा रखेंगे तो आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ये जो टारगेट मैंने दिए और जो स्टॉप लॉस दिए आप इनको मेंटेन करके यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, यानी कि लॉन्ग टर्म यानी 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इस स्टॉक्स में अच्छा निवेश कर सकते हो। तो काफी अच्छा रिटर्न्स दिया है अब तक इस स्टॉक्स में, तो आगे भी और भी हम लोग इस स्टॉक से उम्मीद कर सकते हैं। अब चलते हम जो हमारे व्यूवर्स ने पूछा है वो स्टॉक के बारे में हम लोग थोड़ा मैं लेवल देख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे वेदांता का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है और ये पूछा है राहुल जी पाटिल करके, उन्होंने पूछा है इस स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे वेदांता का जो चार्ट है ये वीकली में हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं,
और जो ट्रेल लाइन के ऊपर जब तक नहीं निकलता है ना, यानी कि इस ट्रेल लाइन के ऊपर सस्टेन होगा, तो यहाँ पे एक अच्छी हमें अपसाइड में यहाँ पे बाइंग हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि ऊपर की लेवल हमारे है 340 के ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए इस ट्रेल लाइन को काफी अच्छे से फॉलो कर रहा है और इस ट्रेल लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इसके नीचे ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करता है और यहाँ पे एक दो कैंडल सस्टेन होते हैं, तो यहाँ पे हमें, अगर आपने बाइंग किया हुआ है तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्टॉप लॉस जो भी प्रॉफिट लॉस बुक करके निकल जाना है। अगर इस यहाँ से एक अच्छी बुलिश कैंडल बनती है और यहाँ से अपसाइड में निकलता है, तो फिर हमें जो पिछले जो रेजिस्टेंस है 340 का, इसके ऊपर निकल सकता है। तो यहाँ पे नई बाइंग जब भी करनी है 340 के ऊपर निकलता है तभी करना है। अगर होल्डिंग है तो आप स्टॉप लॉस के साथ चल सकते हो, जो कि 210 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो। दूसरा जो पूछा है दोस्तों, यहाँ पे समीर जी, उन्होंने पूछा है कोल इंडिया के बारे में, तो हम लोग देख लेते हैं कोल इंडिया का चार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे कोल इंडिया का चार्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में, तो ये स्टॉक्स अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक अच्छा अप ट्रेंड है और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ है, प्राइस एक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन में आपको एक लगा के दिखाऊं, तो इस ट्रेंड लाइन को देखिए काफी अच्छा सपोर्ट ये स्टॉक्स ले रहा है, सॉरी जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तभी यहाँ पे कोई ना कोई प्राइस एक्शन बनाता है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को हम लोग यहाँ पे प्रॉपर आप ड्रॉ कर रहे हो, तो देखिए ट्रेंड लाइन के आसपास, अभी आप बोलेंगे यहाँ पे वीक्स काफी नीचे है, तो दोस्तों वीक्स ऊपर नीचे थोड़ी ऊपर होती रहती है, और ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो कोई ना कोई प्राइस एक्शन बनता है और यहाँ से स्टॉक्स अपसाइड में मूव दिखाता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब भी आपको यहाँ पे नई बाइंग करनी है तो हमें बाइंग के लिए जो सोचता है 230 के ऊपर निकलता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए सोच सकते हैं। जब तक ये इस 230 के ऊपर नहीं निकलता तब तक ऐसी एक बाइंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक हर्डल है, और इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे अगर आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग देखनी है तो 260 के ऊपर ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड में बाइंग के लिए हम लोग देख सकते हैं, लॉन्ग की पोजीशन के लिए हम देख सकते हैं। अगर आपने बाइंग किया हुआ है तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 210 का स्टॉप लॉस रख के चलना है, और इसके ऊपर कंटिन्यू अगर जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस को भी ट्रेड करके चल सकते हो। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन होता है और यहाँ पे बिलो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं 200 के नीचे स्टॉक्स कंटिन्यू वीकली टाइम फ्रेम में अगर कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लेके हमें एग्जिट कर लेना है। तो दोस्तों ये थे दोनों चार्ट ऑफ द वीक में, हमने आप लोग का जो स्टॉक्स है वो मैंने कवर किया है। अगर आपका भी कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आप भी हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो SGM ट्रेडिंग अकेडमी चैनल का नाम है, आप यहाँ पे टेलीग्राम पे भी जाके सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं बिल्कुल फ्री में चार्ट पे पोस्ट करता रहता हूँ और जो भी लेवल है इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स को भी पोस्ट करता हूँ आपको। यहाँ पे मैं जो बैंक निफ्टी निफ्टी स्टॉक के लेवल भी इंट्राडे में लेवल देता रहता हूँ, तो काफी अच्छा प्रॉफिट लोग बना रहे, आप भी बना सकते हो। तो मैं काफी सारे लेवल भी देता रहता हूँ, तो आप भी यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हो। दोस्तों इस वीडियो के बारे में या कोई स्टॉक के बारे में कोई भी आपकी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।